धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे, जदों मारे आके काल ललकारे। बैठे मूह बनी वेखन सारे, नहीं चलने किसे दे चारे। इस प्रथाए हयूर महाराज जी फरमाते हैं, हे जीव, ये संसार मिथ्या है, इत्थे कोई भी चीज़ तेरे नाल जान वाली नहीं है। दुनिया दे सारे लोग मतलबी हैं। जिस वेले जीव दी मौत आउंदी है तां कोई भी इसनू उस तो बचा नहीं सकता। कालबली जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक ते बंद रूप होंदी है, जो कि जीव ने कदे सुपने विच भी नहीं वेखी होंदी। जदों वो अंत समय जीव दे सामने आ खड़ा होंदा है अते ललकारदा है कि चल, तेनू धर्मराज ने बुलाया है। तां उस वेले जीव उसकी शक्ल वेख के ते हुक्मनामा सुन के अत्यंत घबरा जाता है। बहुतियां दा तां उस वेले उसकी शक्ल वेख के टट्टी पेशाब ही निकल जाता है, खून का पानी बन जाता है, अखां खुलियां रह जांदियां हन, कंधना पै जांदियां हन, अते हथ पैर मुड़ जाते हैं। उस वेले उसते भैन भाई साख संबंधी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। रूह काल नू वेख के जो जिस्म दे अंदर 72 कोठड़ियां दसदियां हन, जो जिस्म दे अंदर 72 कोठड़ियां दसियां हन, उन्ना विच लुकदी छिपदी है। काल बली उन्ना सारियां नू तोड़ भन्न के जीव आत्मा नू कढ के लै जांदा है। उस वक्त जीव आत्मा नू जो तकलीफ हुंदी है उस दी बाबत संत महात्मा ने कुछ कुछ बयान किया है। श्री मंद भगवत विच इस दे बारे जिक्र है कि जिस वेले आत्मा शरीर छड़दी है तां उसनू दुख हुंदा है, जितना कि 100,000 बिच्छू एक बार मिलके इकट्ठा डंग मारन। कुरान शरीफ विच भी इस बारे कुछ वर्णन किया है कि उस वेले इतनी तकलीफ हुंदी है कि जितनी कंडियां वाली झाड़ी नू गुदा दे रस्ते पा के मूँह दे रस्ते खिंच के कढ़िया जावे। शाह मस्ताना जी भी फरमाया करते सन कि जिस तरह रेशमी कपड़े नू कंडेदार झाड़ी ते सुट के खिंचा जावे तां वो तार तार हो जाती है। इसे तरह जदों आत्मा नू शरीर विचों कढ़िया जाता है तां उसकी भी इतनी ही बुरी हालत होती है। स्वामी जी महाराज मिसाल दे के समझाते हैं कि जब पति दुल्हन को लेने के लिए आता है तब कायदा है कि वह रोती है और रोने से मुराद है कि मुझको ना जाने दो, पर कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जब काल आवेगा जे सूट हर चंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं कर सकता। जदों अंत समा आउंदा है तां उस वेले जीव नू बहुत ही तकलीफ हुंदी है। उस समय इस जीव दे घर वाले रिश्तेदार साख संबंधी ते मित्र दोस्त इसदे मूँह वल देखते रहते हैं। कोई नब्ज़ फट बैठता है, कोई अखां वल देखता है, यानी सभी उस वल बिट बिट तक रहे होंगे ते घबराए होंगे हैं। उस वेले उन्हां दी कोई बाह नहीं चलती अते ना ही ओह उसकी कोई तकलीफ बन सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।